हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमारी का डीआईवाई। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक आउट क्राफ्ट, जो कि बनाया है हमने वेस्ट प्लास्टिक के कंटेनर से। चलिए तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है एक पेंट का डब्बा, जो मेरे घर में पड़ा हुआ था, और वॉल पुट्टी का डो। इसकी बनाएंगे सबसे पहले एक शीट। और वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाया जाता है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें। कंटेनर पर थोड़ा सा पानी लगा करके इस शीट को हम यहाँ पर रख देंगे और इस कंटेनर को इस तरीके से शीट से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद इसको अच्छे से सुखा लेंगे और पेंसिल की हेल्प से आउल की एक शेप बना लेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद वॉल पुट्टी का एक सर्कल बनाएंगे और इस तरीके से अपने इस कंटेनर के ऊपर रख देंगे। पानी लगाएंगे और एक प्रॉपर शेप से इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। दो सर्कल छोटे छोटे इसी तरीके से बनाएंगे, जो हम आइस के लिए यूज कर रहे हैं। इनको भी हम इसी तरीके से सील कर लेंगे। वॉल पुट्टी का डो इसी तरीके से लगाते जाएंगे और अपने इस आउट को एक प्रॉपर शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, वॉल पुट्टी बहुत ही सस्ती होती है। इससे अगर आपका क्राफ्ट खराब भी हो जाता है, तब भी घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये आप इसको दोबारा से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती होती है, तो बिगनर्स इसको इजिली ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी हम कर रहे हैं डिटेलिंग। तो डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ मार्कर की कैप ली है और इस तरीके से हम सर्कल बना लेंगे। तो वॉल पुट्टी का जो डो है, ये वॉल पुट्टी अच्छे से ड्राई नहीं होने चाहिए, थोड़ा हल्का गीला रहे, उसके बाद ही हम इस पर डिटेलिंग कर लेंगे। इसी तरीके से आइस की डिटेलिंग करेंगे। दो छोटे बड़े इस तरीके से हम सर्कल बना लेंगे। तो देखिए, ये डिटेलिंग हो गई है। जो वॉल पुट्टी निकली है उसको हम पानी की हेल्प से इस तरीके से कवर कर लेंगे। अब थोड़ी डिटेलिंग का टाइम है तो डिटेलिंग कर लेंगे। आप फिंगर की हेल्प से भी इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो। जो इस तरीके की डिटेलिंग है वो आप नीडल की हेल्प से या पिन की हेल्प से कर सकते हैं। आइस की डिटेलिंग के लिए भी आप नाइफ का यूज कर सकते हैं, पेपर कटर का यूज कर सकते हैं, पिन का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो नीडल का भी यूज कर सकते हैं। तो एक साथ सारा काम ना करें, धीरे धीरे ही काम करें, क्योंकि सर्दियां हो रही हैं तो वॉल पुट्टी को सूखने में भी टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करें, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करें, थोड़ा थोड़ा पार्ट सूख जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट कप जो आपका काम है उसको स्टार्ट करें। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से आउट बन रहा है। इसको सूखने देंगे और सूख जाने के बाद हमने यहाँ पर लगा लिए हैं इसके पैर। तो वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट बना करके हम इसके पैरों को यहाँ पेस्ट कर देंगे और अच्छे से कम्प्लीटली इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कर लेते हैं इसकी सैंडिंग सैंड पेपर की हेल्प से, जिससे कि इसका जितना भी अनइवन एरिया होगा, सरफेस होगा, उसको हम इवन कर लेंगे। और जो इसकी एक्स्ट्रा की डस्ट निकली है उसको ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। यहाँ हम कर रहे हैं ब्लैक कलर, ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ।
और आप चाहें तो पहले व्हाइट एक्रिलिक कलर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट ही ब्लैक कलर किया है। अब ब्लैक कलर सूख जाने के बाद यहाँ पर हमने ब्रॉन्ज कलर का यूज किया है। आप कोई भी कलर अपनी इच्छा से यहाँ पर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि आप कोई भी कलर इस पर कर लें, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ अब थोड़ी और डिटेलिंग के लिए गोल्डन मेटेलिक कलर को रब किया है फिंगर की हेल्प से। तो फिंगर टिप की हेल्प से यहाँ पर हल्का हल्का रब कर देंगे कलर को, इसको प्रॉपर कलर को ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद आप इस पर वार्निश का कोट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसमें एक अलग सी चमक आएगी, ये बहुत अच्छे से शाइन करेगा। और देखिए, ये हमारा जो प्लास्टिक का एक वेस्ट कंटेनर था वो बन चुका है सुंदर सा आउल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।